हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का जीनियस पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवालों को ट्रिक के माध्यम से हल करेंगे, और जिन सवालों के ट्रिक नहीं होते हैं उनके लिए कौन से शॉर्टकट्स तरीके अपनाया जाता है वो हम लोग आज देखेंगे। तो फ्रेंड्स, बने रहिए वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन्स को भी दबा लें, ताकि मेरे द्वारा अपडेट किए गए हर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों, प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ सवालों को हल करते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो पहला सवाल है, आप एक वस्तु के विक्रय मूल्य का 4% उसके क्रय मूल्य के 5% के बराबर है। दोबारा, विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से 120 अधिक है। तो क्रय मूल्य एवं विक्रय मूल्य का अनुपात ज्ञात करें। फ्रेंड्स, जो सवाल दिया है उसमें दो लाइन में दो दो बातें कही गई हैं। पहले लाइन में विक्रय मूल्य का 4% क्रय मूल्य के 5% के बराबर है, तो हमारा इसी से सवाल जो है सॉल्व हो जाएगा। हमें आगे करने की कोई ज़रूरत नहीं कि अगले पॉइंट्स को भी हम देख करके उसको हल करें। हमें सिर्फ रेशियो निकालना है, न कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या है, कितनी रुपया है, उससे कोई मतलब ही नहीं है। आप चाहें तो दूसरे वाले टॉपिक से भी, दूसरे जो भी लाइन लिखी हुई है विक्रय मूल्य का 20% उसके क्रय मूल्य के 22% से अधिक है, तो इस तरह से अगर आप निकालें तो इससे भी आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य अलग निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन हमें जब आंसर से ही मतलब है तो सिर्फ पहले लाइन से ही हमारा आंसर निकल जाएगा, तो दूसरे लाइन को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, अगर हम लोग CPX मान लेते हैं और सेलिंग प्राइस अर्थात कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य को X, सेलिंग प्राइस अर्थात विक्रय मूल्य को Y मान लेते हैं, तो Y का विक्रय मूल्य का 4% अर्थात Y का 4% बराबर है क्रय मूल्य के 5% यानी X के 5% के। आप Y का 4/100 बराबर X का 5/100 लिख सकते हैं। इस 100 को से उसे कैंसिल कर दीजिए, X बटा वाई, वाई को इधर भेज दीजिए तो X बटा वाई हो जाएगा, और 5 को इधर बट भेज दीजिए तो 4/5 हो जाएगा, अर्थात आपका X रेशियो Y का मान हो जाएगा 4:5। दोस्तों, इसको हम और इजी तरीके से, ये तो हल करने के तरीके हो गए कि किस तरह से हल किया जाता है। अगर इस तरह के आपको सवाल कहीं भी और मिले तो आप डायरेक्टली X रेशियो Y या फिर CP रेशियो सेलिंग प्राइस इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद जब आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है क्रय मूल्य का हिस्सा, तो क्रय मूल्य का हिस्सा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपको जो लिखना है वो विक्रय मूल्य का जितना प्रतिशत का है उस पार्ट को लिखना है। अर्थात विक्रय मूल्य का कह रहा है 4%, तो पहले 4% लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ क्रय मूल्य है लेकिन यहाँ पर हमें विक्रय मूल्य का जितना प्रतिशत कह रहा है वो लिखते हैं, और यहाँ रेशियो वाई लिखा है तो वाई के लिए हम यहाँ लिखेंगे कि क्रय मूल्य का जितना प्रतिशत के बराबर है उस भाग को, यानी 5% वाले भाग को यहाँ, और प्रतिशत है दोनों का, प्रतिशत कैंसिल हो जाएगा तो 4:5 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से जल्दी बना सकते हैं आप, आंसर देख करके ऑप्शन को टिक कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये सवाल जो है हमेशा एग्जामिनेशन में, किसी न किसी में एग्जामिनेशन में आप जाइएगा तो हमेशा ये रिपीट होते रहता है क्वेश्चन। तो आप दोस्तों इसको ध्यान से देखिएगा कैसे इसके बेसिक सॉल्यूशन है और कैसे हम ट्रिक के माध्यम से इसको हल करते हैं। अंडों की दर में 25% गिरावट आने से एक व्यक्ति पहले की तुलना में 162 रुपये में 2 दर्जन अधिक अंडे खरीद देता है अर्थात खरीद सकता है, तो अंडों का प्रति दर्जन मूल्य क्या है। दोस्तों, अंडों का प्रति दर्जन मूल्य होने का मतलब अभी वर्तमान दर ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। अगर पहले का होता है तो पूछता प्रारंभिक दर क्या है। दोस्तों, इसके ट्रिक सॉल्यूशन है, लेकिन हम पहले बेसिक तरीके जान लेते हैं उसके बाद ट्रिक के पे आते हैं। तो मान लेते हैं कि अंडों की दर जो है 100 रुपया प्रति दर्जन है। 100 रुपया प्रति दर्जन का मतलब पहले जो है हमारा 100 रुपया प्रति दर्जन बिकता था, अब जो है अगर 100 रुपया प्रति दर्जन आज वर्तमान दर में मान लेते हैं तो 100 रुपया प्रति दर्जन, तो 162 रुपया अगर हम खर्च करेंगे तो कितना दर्जन हमारे पास अंडा आएगा, तो 162 रुपया में 162/x अर्थात 100 रुपया से भाग दे देंगे,
100 रुपया में मान लीजिए कि 100 रुपया हमारे पास है, 10 रुपये प्रति दर्जन भाग कोई चीज़ मिल रहा है, तो 10 से भाग देंगे 100 में तो हमारा 10 दर्जन आना चाहिए। उसी तरह 162 में अगर एक से हम भाग देते हैं तो 162 बटा में एक दर्जन जो है हमारा अंडा आएगा 162 रुपये में। अब कह रहा है 25% गिरावट यानी कि कमी हो रही है दर में, यानी कि रेट में कमी होने का मतलब है कि x का 75% 25% गिर गया है भाव, तो x का 75% निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 25 × 75 25 × 100 यानी 3x/4 रुपया, यानी कि आपका रुपए का 3/4 हिस्सा जो है अब जो है दर हो गया है। तो 162 रुपये में इस दर से कितना अंडा मिलेगा, तो 162 रुपये में 162 बटा में 3x × 4, ये 4 जो है ऊपर चला जाएगा, बटा में नीचे लिखें चाहे ऊपर लिख दें, तो अब हो गया 162 बटा में 3x × 4। अब आप चाहें तो इसको गुणा कर लें, अगर नहीं चाहते हैं तो कैलकुलेशन जब तक आपका आंसर ना निकालना हो तो गुणा करने की कोई मतलब नहीं रहता है, उसी तरह से रख सकते हैं। अब जो कह रहा है कि रुपये में अंडों की दर में गिरावट होने से 2 दर्जन अंडा अधिक खरीद लेता है, इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो दर्जन का हिस्सा है इस दर्जन के हिस्से से 2 दर्जन अधिक है, मतलब ये हुआ कि इसमें से इसको घटा देंगे तो 2 दर्जन हमारा आना चाहिए। तो इतना रुपया में इतना ये दर्जन है दोस्तों, तो इस दर्जन में इस दर्जन को घटा देंगे यानी 162 × 4/3x − 162/x, इन दोनों को घटा देंगे तो हमारा 2 दर्जन के बराबर आएगा, क्योंकि सवाल में यही कह रहा है तो प्रश्न से ये हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो 162 दोनों में कॉमन पद है तो निकाल लेंगे बाहर, अब ये हो जाएगा 4/3x − 1/x, ये 1/x रह जाएगा बराबर 2, 162 हो जाएगा। अब इसको हल करेंगे तो एलसीएम होगा आपका 3x यानी कि 4 और इधर हो जाएगा 3, तो 4 − 3 बराबर हो जाएगा 1, 1/3x। तो x बराबर क्या होगा, तो दोस्तों यहाँ x जो है इसको इस साइड भेजिए और 2 को इधर भेजिएगा, तो x बराबर हो जाएगा 162 / 3, ये 3 तो ऑलरेडी है और 2 इधर आएगा तो वो भी बटा में आ जाएगा, तो 3 × 2 हो जाएगा। आप इन दोनों से कटा दीजिए, 3 × 2 = 6 और 6 से ये कटा दीजिए तो 6 × 2 = 12, 4 = 16, 4 × 2 = 42 यानी कि 6 × 7 आपका 42 यानी 27 रुपया प्रति दर्जन आएगा। तो ये रहे ट्रेडिशनल तरीका, इसको शॉर्टकट तरीके से ट्रिक के माध्यम से दोस्तों हल करेंगे तो जल्दी हमारा बन जाएगा। तो ट्रिक जानते हैं दोस्तों, ट्रिक मैं पहले भी इसका बता चुका हूँ, आज फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। प्रारंभिक अगर दर ज्ञात करना हो तो R × x / K × 100 ± R होता है, यानी R बराबर रेट होता है, x का मतलब रुपया, K का मतलब अगर केजी में दिया हो तो केजी, दर्जन में दिया हो तो दर्जन, और जो है R यहाँ रेट हो जाएगा। अगर वर्तमान दर पूछता है तो ये कुछ नहीं होगा, यहाँ सिर्फ 100 लिख देंगे, तो सिर्फ K × 100 लिख देंगे तो आपका हो जाएगा R × x / K × 100 वर्तमान दर के लिए। लेकिन प्रारंभिक दर निकालना हो तो वही प्लस माइनस एक्स कर देते हैं, यानी जितना गिरावट हो गया है उसी से को भी आप यहाँ प्लस माइनस करेंगे। तो दोस्तों आइए बनाते हैं इसको, इस पे सवाल रख के तो ये आर का मान रख देंगे 25, चूँकि 25% दर दिया हुआ है, गुणे एक्स का मान 162, एक्स का बराबर रुपया यहाँ लिख दिए। उसके बाद कह रहा है कि 2, यहाँ के का मान जो हो जाएगा 2, अगर केजी दिया है तो भी लिख देंगे, दर्जन दिया है तो दर्जन में लिख देंगे, तो 2 हो गया गुणे। अब देखिए दोस्तों यहाँ 25% गिरावट आई है, तो गिरावट आई है यानी 100 में से कमी करना होगा, तो 100 − 25 बराबर हो जाएगा 75। अब आप इस चीज़ को हल करेंगे तो ये हो जाएगा 25 × 75 और 3 × 2 = 6, दोनों से कटा दीजिए ये तो 27 बार में कट जाएगा, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 27 रुपया प्रति दर्जन अंडे का प्रारंभिक दर। अब इस ट्रिक के माध्यम से मात्र 2 सेकंड में ये सवाल को हल कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, पिछले वर्ष श्रीमान ए ने 2 पेंटिंग खरीदी, इस वर्ष वह प्रत्येक को 20,000 रुपये में बेच देता है, इस पर उसे 25% का लाभ होता है और अन्य पर 25% की हानि होती है, तो उसकी शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें। दोस्तों इस तरह के दो क्वेश्चंस आते हैं, एक तो आता है कि एक व्यक्ति 50,000 रुपये में कोई 2 वस्तु जो है बेचता है, जिसमें पहले वस्तु पर उसको 10% लाभ, दूसरे वस्तु को 10% हानि होती है,
तो इसमें कितना उसको लाभ या हानि कितना प्रतिशत होगा। तो अगर प्रतिशत पूछता है तो सिंपल से सवाल है, इस केस में हमेशा ध्यान रखें दोस्तों, हानि ही होती है और वो हानि होती है एक्स स्क्वायर बाई 100 के, अर्थात जो भी दर दिया है उसी के स्क्वायर बटा में 100 कर देंगे तो आपका हानि प्रतिशत निकल जाएगा। दोस्तों ध्यान देने की बात है, जब भी इस तरह का सवाल आए, कोई वस्तु दो वस्तु जो है बेचा जाए किसी भी मूल्य पर और उसमें उतना ही प्रतिशत का एक तरफ लाभ और उतना ही प्रतिशत की एक तरफ हानि हो तो आपका हमेशा हानि ही होगा। तो हानि क्या होगा, एक लॉस बराबर हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 100, अर्थात 25 का स्क्वायर 25 गुणे 25 बटा में 100, इसको आप कटा दीजिएगा तो 25 बटा में 4%। तो सिर्फ कभी कभी पूछता है कि हानि कितना होगा, तो हानि प्रतिशत का मान 25 बटा 4% हो जाएगा। लेकिन इसमें पूछ रहा है कि शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात करें, लाभ तो यहाँ होना नहीं है लेकिन हानि होना है, तो हानि में रुपया का मान क्या होगा, हानि का कितना रुपया मान होगा। तो दोस्तों यहाँ पे दिया है कि 20,000 रुपया चूंकि बेचता है प्रत्येक को, यानी विक्रय मूल्य उसका हो गया सेलिंग प्राइस आपका 40,000, 20,000 × 2। अब जो है इसको अगर हम क्रय मूल्य में बदलेंगे तो इसका मतलब होता है कि ऊपर 100 कर देंगे और नीचे 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ डायरेक्टली मैंने निकाला है CP बराबर 2 × 20,000 आपका विक्रय मूल्य हो गया, इतना को क्रय मूल्य में बदलने के लिए ऊपर बटा में 100 और बटा में लिखते हैं 100 माइनस हानि और या 100 प्लस लाभ, चूँकि हानि हुई है तो 100 में से घटा देंगे। इस 25% को आप 100 में से घटा दीजिएगा तो ये हो जाएगा 375/4, इतना प्रतिशत जो होगा आपका निकल जाएगा। तो ये जो होगा ऊपर 100 बटा में 100 माइनस हानि या नीचे लिख देंगे यानी 375/4 है तो ऊपर चला 4 चला जाएगा, तो ये हो जाएगा विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ या 100 माइनस हानि। तो ये हो गया आपका क्रय मूल्य के फॉर्मूला। तो ये आप इससे कटा सकते हैं दोस्तों, अगर आप चाहें तो कटाना चाहें तो यहाँ कटा दीजिए दोस्तों, 25 से कम 25, 10 × 2 = 12, 25 × 5 = 125, यहाँ इसे कटाइए 25 × 4 = 100। अब जो है आपका यहाँ 15 हो गया, 5 से फिर कटा सकते हैं तो 5 × 3 = 15 और जो है यहाँ पे 5 × 20, इस तरह से कट गया। अब आपका आया कितना वो ध्यान देते हैं दोस्तों, 4 × 4 × 4 यानी 3 × 4 को गुणा करेंगे तो 64 × 128, 4 × 16 × 64 यहाँ तक तो हो गया, फिर 2 को गुणा करेंगे तो 4 × 16 × 64 × 128। अब 0 काउंट कर लेते हैं तो यहाँ 1, 2, 3 0 बचा हुआ है तो 3 0 यहाँ लगा देंगे और बटा में 3 हो जाएगा, अर्थात जो है इतना रुपया आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, क्रय मूल्य हो गया। और विक्रय मूल्य दोस्तों 40,000 है, निकाले ही हैं 20,000 का जस्ट डबल 40,000 रुपया है, तो हानि का मान हो जाता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, चूंकि क्रय मूल्य का मान ही बड़ा होता है तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य निकाल देंगे तो ये हो जाएगा 4×3 = 12 यानी 1,20,000 और 1,28,000 यहाँ क्रय मूल्य है, इसमें से घट जाएगा तो आपका 8,000 रुपया हो जाएगा, 8,000 और बटा में 3 है तो 8,000/3, इसको आप पूर्णांक में निकालिएगा तो 26/66 × 2/3 हो जाएगा। तो आपका इतना रुपया हानि हुआ। अब आपके ऑप्शंस क्या कह रहे हैं, तो ऑप्शंस है ही लॉस्ट मोर देन ₹20,000 दोस्तों, यहाँ 26,000 के लगभग है और यहाँ कह रहा है कि 2,000 से ज़्यादा उसको हानि हो रही है, तो आपका यही 2,000 से ज़्यादा है, चूँकि 2600 है तो 2,000 से ज़्यादा उसको हानि हो रही है तो ही लॉस्ट मोर देन 20,000 हो जाएगा। या और या अगर आपका ऑप्शंस में यही रहे तो आप इसको आंसर कर सकते हैं, या ऑप्शन जिस प्रकार से रहे उसको आप आंसर कर सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, अगला सवाल है, एक दुकानदार 10% लाभ पर चावल बेचता है और वास्तविक लाभ से 30% कम वजन का प्रयोग करता है तो उसका लाभ ज्ञात करें। दोस्तों यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 10% लाभ पर वो चावल बेचने का मतलब है कि अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो 110 रुपया में बेचेगा,
फिर कह रहा है कि वास्तविक लाभ से 30% कम वजन का भी प्रयोग करता है, अर्थात किसी किसी भी व्यक्ति को वो बेचता है चावल तो 1 kg के बजाय 70% उसका बेचेगा, यानी 700 ग्राम ही बेचता है। वो 700 ग्राम को 1 kg बता करके बेच देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उसका सीपी तो हो गया 100, सेलिंग प्राइस हो गया 110, चूंकि 10% लाभ पर बेचना है। अब जो है वो 30% कम वजन करता है, इसका मतलब ये है कि 700 ग्राम को ही वो बेचता है 1 kg बताकर, तो 700 ग्राम चावल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा, चूंकि बेचने का कह रहा है तो 700 ग्राम का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110 रुपया, चूंकि ग्राहक के लिए ये 700 ग्राम 1 kg के बराबर है, लेकिन वो व्यक्ति बेच रहा है 700 ग्राम कम, 30% कम, यानी 700 ग्राम कहीं बेच रहा है, तो 700 ग्राम चावल का सेलिंग प्राइस हो जाएगा 110, क्योंकि उसको 1000 रुपये लाभ निकालना है, प्रति केजी लाभ या हानि ज्ञात करना होता है, तो इसलिए 1000 ग्राम निकाल देंगे तो 110 बटा में 700 गुणे 1000 हो जाएगा, ये 00 से कैंसिल हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 1100 बटा में 7, यानी कि इतना रुपया उसको सेलिंग प्राइस आ गया, 1 kg का दाम आ गया। अब ये 1 kg का दाम है और ये भी 1 kg का दाम है सीपी, तो सेलिंग प्राइस में से सीपी को घटा देंगे, यानी 110 बटा में 1100 बटा 7 माइनस 100 कर देंगे। दोस्तों ध्यान देने की बात है, ये जो 110 रुपया है वो 700 ग्राम का नहीं है, वो 1 kg का है, इसीलिए मैंने 1 kg का दाम यहाँ निकाल लिया है। ये 700 ग्राम का आपका वजन है, 700 ग्राम का सेलिंग प्राइस है, तो हमको तो 1 kg का दाम निकालना है, इसीलिए मैंने 1 kg, ये जो है आपका सेलिंग प्राइस, ये वास्तविक सेलिंग प्राइस हुआ। ये जो 110 रुपया आया है वो 700 ग्राम के लिए है, और हमको ये जो माने हैं प्रति केजी माने हैं, तो प्रति केजी को प्रति केजी में से घटाया जाता है, इसलिए इस सेलिंग प्राइस में से इसको घटाएंगे, न कि यहीं से घटा करके आंसर निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। तो ये 1100 बटा 7 माइनस 100 कर देंगे तो 700 ये हो जाएगा, 1100 ये, तो 400 बटा में 7 आपका आ जाएगा, और इसी को लाभ प्रतिशत में चेंज कर लीजिए। लाभ प्रतिशत में चेंज करने के लिए कोई दोस्तों कुछ भी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपका सीपी है 100 रुपया या 100% और लाभ आ गया तो वहीं पे लाभ परसेंट उतना ही होगा, कोई निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप करेंगे भी तो नो चेंज होगा, इतना गुणे 100 बटा में 100 करेंगे तो 100-100 तो कैंसिल होना ही है, यही आपका लाभ प्रतिशत हो जाएगा। इसको आप पूर्णांक में चेंज कर लीजिए, 57.1/7, और ऑप्शन आप चेक कर लीजिए कि कौन सा ऑप्शन में आपको ये दिया हुआ है, आप आंसर टिक कर लीजिए। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है, एक फोटोग्राफर एक कैमरा के विज्ञप्ति मूल्य पे अर्थात क्रय मूल्य पे 10% की छूट देता है। दोस्तों ध्यान देना है कि बात है कि जब भी छूट मिलती है, बट्टा मिलता है, वो अंकित मूल्य पर मिलती है, फेस वैल्यू पर मिलती है। कैमरे पर निश्चित कि वह मूल्य रुपए में अंकित किया जाना चाहिए कि 20% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 600 रुपये में पड़ेगा, अर्थात 600 रुपया की कोई वस्तु जो है उस पर 20% उसको लाभ भी कमाना है और 10% कस्टमर के लिए छूट भी देना है, तो 600 रुपया वाले वस्तु पे वो कितना रुपया अंकित करेगा कि उसको 10% छूट भी देना है और 20% लाभ भी कमा लेना है। तो 600 रुपया आपका तो क्रय मूल्य हो गया। अब इसको 20% लाभ कमाना है तो कितना पे बेचना होगा, तो सेलिंग प्राइस 600 गुणा 120 बटा में 100 निकाल देंगे, ये 00 कैंसिल कर देंगे, तो 12×72 यानी कि 720 रुपये में उसको बेचना होगा। अब जो है कह रहा है कि अंकित मूल्य कुछ और होना चाहिए जिससे 10% हमको कस्टमर को छूट भी देना है, सो भी करना है, तो अंकित मूल्य हो जाएगा आपका 720 ये, और 10% छूट देना है का मतलब ये 720 हमारा 90% के बराबर होगा, तो 720 बटा में 90, और चूंकि 100% यानी अंकित मूल्य 100 होगी तो अंकित मूल्य के लिए 100 से गुणा कर देंगे, अर्थात 720 बटा में 90 गुणे 100, या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 10% छूट देना है यानी 90% के बराबर ही ये सेलिंग प्राइस होगी 720, इसलिए आप 100% निकालेंगे तो 720 बटा में 90 गुणे 100, इस चीज़ को आप भी हल कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली 720 बटा में 90 गुणे 100 इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कटा दीजिए, ये 8 बार में कट जाएगी दोस्तों,
तो 8 × 100 बराबर 800 रुपये आप आंसर कर दें। अब दोस्तों इतना जो है आप स्टेप बाय स्टेप चले हैं, अब स्टेप बाय स्टेप न चल करके एक लाइन में आपका सारा कैलकुलेशन हो जाए उसके लिए हमको दोस्तों क्या करना होगा, यहाँ देखते हैं। हमको निकालना क्या है, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू बराबर क्या होगा, बराबर लिख देंगे। अब जो है क्रय मूल्य से चलेंगे, क्योंकि क्रय मूल्य से हमको लास्ट तक पहुंचना है, तो 600 रुपये लिख दिए। उसके बाद हमको 20% लाभ में इसको सेल करना है, तो 120 बटा में 100 करेंगे, 600 का 120% निकालेंगे, तो 600 गुणे 120 बटा में 100। अब हमारा इतना रुपया, इस चीज़ को अगर हम ना देखें, इतना पार्ट को ना देखें, तो इतना रुपया हमारा सेलिंग प्राइस हो गया। अब जो है कह रहा है कि 10% छूट देना है, अर्थात ये जो वैल्यू हुई पूरा 90% के बराबर हो है, यानी इंटू 100 बटा में 90 कर देंगे तो हमारा अंकित मूल्य आ जाएगा। इंटू 100 बटा 90 इसलिए क्योंकि इतना जो है हिस्सा 90% के बराबर है, तो 90 से भाग देंगे और अंकित मूल्य हम चूंकि ज़्यादा लिखेंगे तभी हम छूट देंगे, तो 100% ऊपर लिख देंगे। ये आपका एक लाइन का कैलकुलेशन हो जाएगा, ये 100 कैंसिल हो जाएगा और आप यहाँ से कटा सकते हैं दोस्तों, 30 से कटा दीजिए, 30 × 90, 30 × 60 20 बार में ये कट गया, 3 से ये कटा दीजिए 40 बार में, 4 × 8 यानी कि 800 रुपये आपका आंसर हो गया। तो हर स्टेप बाय स्टेप नहीं चलने की ज़रूरत है, एक लाइन में भी आप जल्दी कर सकते हैं। आप एकदम वैसे भी आपको एग्जामिनेशन में पेपर में बहुत छोटे में ही आपको हल करना रहता है, तो जितना आप एक लाइन में हल करेंगे उतना टाइमिंग भी बचत होगी और आप जो है जल्दी से हल भी कर पाएंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक डिनर सेट को 1500 रुपये में अंकित किया जाना है, यानी 1500 रुपये उस पर अंकित किया जाना है। कह रहा है कि एक ग्राहक को 1173 रुपये भुगतान करता है, यदि ग्राहक को लगातार 2 छूट प्राप्त होती है और उसमें पहली छूट जो 15% है तो दूसरी छूट क्या है। तो दोस्तों इसको तरीकेबद्ध से बनाने के लिए जो ट्रेडिशनल तरीके हैं वो देखते हैं। तो 1500 रुपये तो अंकित मूल्य है, पहला छूट हो गया 15%, अर्थात 85/100 गुणे दूसरा प्रतिशत। अगर हम मान लेते हैं एक्स, दूसरा दर जो है छूट जो है एक्स प्रतिशत हो, तो जैसे इसको 100 − 15 लिखे हैं तो इसी तरह 100 − x लिख सकते हैं। चूँकि 100 − 15 करेंगे तो डायरेक्ट 85 आ जाएगा, यहाँ एक्स चूँकि घट नहीं सकता है तो 100 − x/100 इस तरह से लिख देंगे और बराबर हो जाएगा 1173। इसको हल कर लेंगे दोस्तों, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से कटाएंगे तो यहाँ से कटाएंगे 5 से 20 बार में, और चूँकि 5 से ये कट जाएगा 17 बार में, फिर 5 से कटाएंगे तो 5 × 20 हो जाएगा और 5 से इसको कटाएंगे तो 3 हो जाएगा। अब जो है 17 और 3 हो गया, तो 17 और 3 से इसको कटा सकते हैं दोस्तों। यहाँ 100 − x को उसी तरह रखेंगे, चूँकि ये दो माइनस के रूप में है इसलिए इस हिस्से को हम नहीं कटा सकते हैं, तो 17 से इसको कटा दीजिए दोस्तों। 17 से कटाएंगे तो 17 × 6 = 102 कट जाएगा, तो 102 कट जाएगा तो बच जाएगा 15, और 15 और यहाँ 3 है यानी 153 हो गया। 17 से 9 बार में कट जाएगा तो 153 भी कट जाएगा। यहाँ 3 से फिर इसको कटा दीजिए तो 3 × 6 3 × 9 अर्थात 23 हो गया। तो यहाँ इधर बच गया 100 − x, चूँकि और कोई हिस्सा नहीं बचा है तो 100 − x, और यहाँ 4 से 23 को गुणा करेंगे तो 92 आ जाएगा। तो यानी x बराबर हो जाएगा 100 − 92 अर्थात 8% आंसर, यानी कि उसको अगला छूट जो है 8% देना होगा। अब दोस्तों इसको और जल्दी, चूँकि ये तो कैलकुलेशन हो गया, हम इसको और शॉर्टकट में बनाना चाहें, ना माने x जैसे चाहे हम छोटे तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। तो चूँकि हमको पहला प्रतिशत मालूम है छूट की, तो 15 का 85% निकाल देंगे, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 × 85 कर दीजिए, 1275 रुपया आपका आ जाएगा। 1275 सिर्फ एक छूट देने पे आ रहा है, अब कह रहा है कि टोटल उसको 1173 में बेचना है, तो 1275 1173 को घटा लेंगे यानी 102 रुपये को उसको और छूट देना है, और ये 102 रुपया छूट जो है इस 1500 नहीं इस पे मिलना है, 1275 पे मिलना है, यानी इसको अगर प्रतिशत में बदलेंगे इतना गुणे 100 बटा में इतना लिख देंगे, यानी दर बराबर हो जाएगा आपका 102 × 100/1275। चूँकि इतना से छूट मिल करके इतना बन गया, अब इतना से छूट मिलना है, यहीं से छूट आपका देखिए दोस्तों घट रहा है, तो
तो इसी के लिए इतना का है प्रयोग करेंगे, 1500 का नहीं, 102 गुणे 100 बटा में 1275। आप इस चीज को हल कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। कटा लीजिए दोस्तों, यहाँ 17 से ही कटा सकते हैं, तो 17 से ये 6 बार में कट गया और 17 से 7 बार में 119 कट जाएगा। 119 और 27 घटा देंगे तो 8 हो जाएगा या 85 हो जाएगा, तो 17 पचे 85 ये कट जाएगा। अब फिर दोस्तों कटा लेंगे 25 तीन 75, 25 चौके 100 और 3 से ये कटा दीजिए 2, यानी 4 दुनी के 8% आपका आंसर इस तरह से भी निकल जाएगा। दोस्तों अगर आप किसी भी परसेंटेज या कोई भी मैथमेटिक्स का सवाल बना रहे हैं, अगर आप कटाने में जल्दी जल्दी अगर माहिर नहीं हैं तो आपका जो है कैलकुलेशन हमेशा गलत हो सकता है, हमेशा डाउटफुल रहेगा कि गलत ना हो जाए। इसलिए दोस्तों हमेशा आप कैलकुलेशन को सही ढंग से कीजिए और इसकी जितनी प्रैक्टिस कीजिए उतना ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा। चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला सवाल है, एक डीलर 15% छूट देता है, एक ग्राहक उसके लिए इतना रुपया भुगतान करता है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। दोस्तों एकदम सिंपल से सवाल है, इतना रुपया भुगतान करने का मतलब यह है कि ये रुपया जो है 85% के बराबर होगा, चूंकि जो है 15% छूट दे रहा है। अगर आप ऐसे तरीके से बनाए तो अंकित मूल्य अगर x मान लें तो x का 85% इतना बराबर कर दें, तो x का 85% बराबर इतना कर देंगे तो आप x का मान जो है ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इस तरह से बनाना चाहें परसेंटेज के तरीके से, तो चूंकि 15% छूट का मतलब हो गया 85% बच गया उसके पास और इसी 85% में बेचना है, तो 85% ही उसका होगा 318.75 के बराबर। चूंकि पॉइंट है, पॉइंट को आप 100 लिख दीजिए, इसलिए आपको 100% ज्ञात करना है, तो इसलिए 100% बराबर हो जाएगा 318.75 बटा में 100 और ये जो है चूको ऊपर 100 चला जाएगा और ये जो है 85 आपका नीचे आ जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा और 85 को डायरेक्ट आप कटा दीजिए। अगर आपको पता है कितना होगा तो ये हो जाएगा 375 बराबर हो जाएगा 375। आप ऐसे भी कटा सकते हैं, 17 5 85, फिर 17 से कटाइए, फिर 5 से कटाइए। चूंकि आपको दोस्तों पता है कि आंसर 375 आना है, तो आप चूंकि यहाँ कटा सकते हैं या फिर आपको कटाने के तरीके मालूम है, आप यहाँ कटा करके भी आंसर ला सकते हैं। यहाँ भी आप एक्स का मान लिखेंगे तो इतना गुणे 100, फिर पॉइंट हट जाएगा, फिर 85, यानी इतना बटा आपका 85 आ जाएगा, फिर 85 से आप कटा लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। तो ये आपका बी आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक व्यक्ति 10,000 पे 25 कैरेट संतरा खरीदता है, 25 कैरेट को 25 केजी या जो भी आप मान सकते हैं, 25 कैरेट दिया है तो 25 ही मानते हैं, कैरेट मतलब 25 पीस, तो 10,000 रुपये में 25 पीस संतरा खरीद रहा है। फिर कह रहा है कि 5 कैरेट वो खो देता है, इसका मतलब ये है कि 25 में 5 पीस जो है वो खो देता है, भुला देता है। कुल लागत पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष कैरेट को कितने कीमत पर बेचना होगा, यानी कि जितना बचा है उसी पर उसको अगर प्रॉफिट लेना है तो किस दर से उसको बेचना होगा, एक कैरेट का दाम क्या होगा। दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, एक कैरेट का पूछ रहा है, न कि सभी। तो यहाँ पे क्रय मूल्य तो पता है दोस्तों, 10,000 दिया है, 10,000 लिख देंगे, सेलिंग प्राइस डायरेक्टली निकाल देंगे, कैरेट को बाद में देखेंगे, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा उसको 25% लाभ लेना है, तो 10,000 गुणे 125 बटा में 100 कर देंगे, 0 कटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 12,500 रुपया, यानी कि उसके पास जितना भी पैसा बचा है उसको 12,500 में बेच देना है, चाहे कैरेट 25 के बजाय 10 हो, 15 हो, कोई मतलब नहीं है। अब जो है प्रति कैरेट का दर निकाल लेंगे, यानी एक कैरेट का दर, चूंकि अब 25 के बजाय उसको 5 खो दिया है तो 20 ही कैरेट बचा है और 20 ही कैरेट को बेचना है, तो 12,500 में 20 से भाग देंगे तो आपका कैरेट जो है एक कैरेट का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। इसको आप कटा दीजिए, 0 कैंसिल हो जाएगा और 2 से 1250 में 2 से भाग दे दीजिएगा तो 625 बार में कट जाएगा, अर्थात उसका पैर प्रति कैरेट जो है 625 रुपया पड़ा, यानी एक कैरेट को आप एक पेटी या एक पीस जो भी कह लीजिए उसको 625 रुपये में अगर सेल करेगा तो उसको 25% का कुल लाभ हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों।
अगला सवाल है, एक बेईमान दुकानदार लागत मूल्य पर वस्तुओं को बेचने का ढोंग करता है, यानी कहता है कि हम जो है क्रय मूल्य जितना भी है हम उसी क्रय मूल्य पर ही बेचेंगे, 10 रुपये में अगर हम खरीदे हैं तो 10 रुपये में ही बेच देंगे, लेकिन प्रत्येक 1 केजी के लिए वो 950 ग्राम का बाट प्रयोग करता है, अर्थात वो 1 केजी बेचने के बजाय 950 ग्राम को ही बेचता है और कहता है कि वही 1 केजी है, तो इस प्रकार उसका लाभ ज्ञात करें। तो चूंकि 50 ग्राम प्रत्येक कस्टमर से वो लाभ कमाता है 50 ग्राम कम वजन का प्रयोग करके, तो 950 ग्राम अगर बेचता है तो उसको 50 ग्राम का फायदा हो गया। अब इसी 50 ग्राम को इसी 950 से आप प्रतिशत में चेंज कर दीजिए, इसी 950। अगर आप ऐसे निकालें कि 950 ग्राम को वो खरीदता होगा तो 950 रुपये निकलता होगा, और चूंकि कस्टमर को 1 केजी के बजाय आपको 50 ग्राम कम वजन करता है, इसका मतलब कस्टमर से वो 1000 रुपये ही लेता है लेकिन 950 रुपये का सामान देता है, तो आप 50 × 100 बटा में क्रय मूल्य यानी 950 निकाल सकते हैं, यहाँ से भी फायदा हो जाएगा। ग्राम पे भी आप निकालें तो 50 ग्राम को उसको फायदा हो रहा है 50 × 100, और टोटल उसका इतना ही खरीदी है, क्योंकि 950 ग्राम बेचता है तो 950 ग्राम का ही उसका दाम लगा होगा उस जिसको कस्टमर को दिया है, तो बटा में 950 ही लिखेंगे, तो यहाँ 950 हो जाएगा, ये कट जाएगा 5 से ये 19 बार में कट जाएगा, यानी 100/19 रुपया का लाभ हुआ। अब चूंकि इसको प्रतिशत में आप यही चूंकि लाभ प्रतिशत निकाल दिए हैं, चूंकि 50 ग्राम का यहाँ लाभ हुआ है तो 100/19 प्रतिशत आपका ऐसे कर लीजिए पूर्णांक में, तो 5.5/19 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात है कि ऑप्शंस में क्या दिया हुआ, ऑप्शन में यहाँ दिया 100/19, तो इसको पूर्णांक में चेंज नहीं कर सकते, यहीं पर भी आप आंसर कर सकते हैं, या पूर्णांक में दिया है तो 5.5/19 चेंज कर लीजिए। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, यदि वह 6 रुपया और अधिक में बेचता है, यानी 15% में बेचता है 6 रुपया और ज़्यादा में बेचता है तो उसको 18% का लाभ होता है, इसका मतलब ये हुआ कि यह 18% इस 15% से 6 रुपये ज़्यादा है, तो 18% में 15% को घटा देंगे तो ये 6 रुपया आ जाएगा, तो 18% माइनस 15% बराबर 6 रुपया, अर्थात 3% का मान हो गया 6, इसलिए 100%, क्योंकि क्रय मूल्य निकालना है, अगर सेलिंग प्राइस निकालना होता है तो डायरेक्ट 118% निकालते हैं, तो यहाँ क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य 100% है तो आप जो है 6/3 × 200 कर देंगे तो ये जो हो जाएगा 3 × 100 यानी 200 रुपये आपका क्रय मूल्य आ जाएगा। तो इस तरह से इसको हल कर डायरेक्टली एक लाइन में लिखना चाहें तो 18% है 15% है, बच गया आपका कितना 3, और ऊपर 6 लिख देंगे तो 6/3 और 100% निकाल देंगे तो ये भी आपका 200 निकल जाएगा। तो इस तरह से जल्दी भी आप लिख सकते हैं, इस तरीके से तो मैंने सिलसिले में वार तरीके से इसलिए बता रहे हैं कि समझ में चूँकि सभी को आए, आप चाहें तो शॉर्टकट तरीके से भी बना सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल है, 20%, 10% और 5% तीन क्रमागत छूट को एकल छूट के बराबर निकालें, यानी एक छूट, यानी आपको 3 बार में 20, 10, 5 की छूट देने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा 1% बताइए कि सिर्फ उसी प्रतिशत को छूट दे दिया जाए तो हमारा मान में कोई अंतर ना हो। तो इसको ट्रेडिशनल तरीके से आप बनाएंगे तो कैसे बनाते हैं, और एक सूत्र होता है एकल बट्टा निकालने के लिए, वो भी बता देते हैं दोस्तों। तो अगर आप ऐसे जो नॉर्मल तरीके होते हैं उसको बनाते हैं तो अंकित मूल्य मान लेते हैं 100 रुपया, इस 100 रुपया पे उसने 20% छूट दिया तो 80% हो गया, तो 80/100, फिर कह रहा है कि 10% और छूट दिया तो 90% यानी 90/100, फिर कह रहा है कि 5% और एक्स्ट्रा छूट देना है तो 95/100। अब आप इस चूँकि इस चीज़ को हल कर लीजिए तो हल करेंगे ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 जीरो फिर कैंसिल हो जाएगा, अब जो है आपका आ जाएगा, फिर 5 से कटा देंगे तो 5 से ये 20 बार में, 5 से ये 19 बार में, अब चूंकि हमको पूरी तरह से कट नहीं रहा है तो 2 से सिर्फ 10 बार में, चूंकि 0 नीचे रहेगा तो पॉइंट देने में आसानी होगी, तो 2 दाएँ 10 और 2 चौके 8 यहाँ कट गया, अब आपका बच गया 4, 9 और 19, इन तीनों को गुणा कर दीजिए तो 4, 9, 36
और 36 को आप 19 से गुणा कीजिएगा तो 684 आ जाएगा और बटा में 10, यानी कि आपका 68.4% आप आ गया। या फिर इसको रुपया में करना चाहें तो ये 100 रुपया है तो इसको रुपया भी लिख सकते हैं। अब जो है आपका 100 रुपया अंकित मूल था या 100% अंकित मूल था तो इतना परसेंट जो है आपका सेलिंग प्राइस हो गया। तो अब जो है इतना में से कितना रुपया आपने टोटल छूट दिया वो एकल बट्टा ज्ञात करने के लिए इसमें से इतना घटा दीजिए। आप यहाँ 3 स्टेप में किए थे, आप डायरेक्टली इसको इसको घटा दीजिए तो 100 - 68.4 अर्थात 31.6% आपका आंसर हो जाएगा। अर्थात 20, 10, 5 को 3 बार छूट न दे करके आप डायरेक्टली 31.6% दे दीजिए, यानी 100 का आप 31.6% छूट देंगे यानी कि 68.4% आप निकाल देंगे तो आपका 68.4% डायरेक्टली आपका 31 पॉइंट छूट इतना हो जाएगा। तो आप इतना निकालिएगा तो 68.4% आपका आ जाएगा और इस तरीके से भी आपका 68.4 आ रहा है, यानी एकल बट्टा आपके लिए होगा 31.6। अब इसको सूत्र से कैसे बनाते हैं? सूत्र दोस्तों एकल बट्टा निकालने के लिए है कि अगर 2 बट्टे हैं क्रमागत, उन दोनों को 1 बट्टा में चेंज करना है तो सूत्र होता है D1 अर्थात डिस्काउंट। डिस्काउंट 1 यानी D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटा में 100। ध्यान दीजिए दोस्तों, एकल बट्टा के लिए D1 प्लस D2 माइनस D1 इंटू D2 बटा में 100 होता है। तो पहले 2 बट्टे को लेकेंगे, 20 और 10 को लेकर के चलेंगे तो 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटा में 100। ये 0, 0 कैंसिल कर दीजिए तो ये 20, 10, 30 हो जाएगा और ये 2 इकाई 2 हो जाएगा, यानी 30 में से 2 गया 28। अगर सिर्फ 2 बट्टे की बात होती तो दोनों के लिए 1 बट्टा हो जाता आपका 28। चूँकि फिर 5% दिया है तो अब इस 28 और 5 को फिर से लेकर के चलेंगे इसी सूत्र पे। तो फिर लेंगे तो 28 प्लस 5 माइनस 28 गुणे 5 D1 इंटू D2 28 गुणे 5 बटा में 100 हो जाएगा। तो अब जो है आपका 28 5 हो जाएगा 33 और इसको आप जो है 5 से कटा दीजिए तो 20 बार में कट जाएगा, 2 से 10 बार में और 2 से ये 14 बार में, यानी कि 0.1 दे देंगे तो 1.4 हो जाएगा, यानी 33 माइनस 1.4 33 में से 1.4 घटा देंगे तो आपका 31.6 हो जाएगा आंसर। तो आपका जो है एकल बट्टा 3 बट्टे के लिए 31.6। तो आप सूत्र का प्रयोग करना चाहें सूत्र से बना लीजिए, ऐसे बनाना चाहें तो ऐसे बना सकते हैं। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। कह रहा है कि 6 किलो का विक्रय मूल्य 8 किलो के लागत मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत निकालें। तो अगर आप इसको नॉर्मल तरीके से बनाना चाहें तो 8 तरीके का क्रय मूल्य अगर आप मान लीजिए 8 रुपया है, 8 किलो को 1-1 रुपया प्रति दर से 8 रुपया में खरीद लेता है। अब 6 किलो को विक्रय मूल्य भी 8 रुपया है, यानी 6 केला बेचता है तो 8 रुपया उसको मिल जाता है। तो उसके पास 8 है तो 8 का सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे तो 6 केले का सेलिंग प्राइस 8, तो इसलिए 8 केले का 8/6 × 8 इसको आप निकाल दीजिए, 2 × 3 = 6, 2 × 4 = 8 यानी 8 × 32 = 3 रुपया हो गया। ये आपका पूरा सेलिंग प्राइस हो गया, ये आपका कॉस्ट प्राइस हो गया, लागत मूल्य हो गया। अब इसमें से इसको घटा लीजिए तो 32 - 3 - 8 हो जाएगा तो 32/3 में से 8 घटा देंगे तो 8 × 3 = 24 8/32 यानी 8/3 रुपया आपका आ जाएगा। अब ये रुपया आ गया, इसको आप प्रतिशत में बदल दीजिए तो लाभ प्रतिशत होगा लाभ गुणे 100, लाभ ये पूरा हिस्सा हो गया तो लाभ गुणे 100 और बटा में क्रय मूल्य बराबर 8 हो जाएगा बटा में, ये 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो 100/3% अर्थात 33 × 1/3% आपका लाभ हो जाएगा। अब इस चीज़ को शॉर्टकट में बनाने के लिए क्या है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा जब भी इस तरह का सवाल दे तो बनाने के लिए क्या होता है, इन दोनों को आपस में घटा लीजिए। तो 6 केले का विक्रय मूल्य जब जो है विक्रय मूल्य में समान कम होता है तो आप निश्चित रूप से याद रखिए कि लाभ होगा। जब विक्रय मूल्य में समान ज़्यादा होता है अर्थात 6 केले का विक्रय क्रय मूल्य 8 केले के विक्रय मूल्य के बराबर होगा तो 2 केला तो आपको ज़्यादा देना पड़ रहा है, वहाँ हानि हो जाएगा। चूँकि यहाँ 6 केला का विक्रय मूल्य 8 के बराबर है, लाभ है, तो यहाँ लाभ हो जाएगा 8 केले का लागत मूल्य से, तो यहाँ 2 केले का लाभ हो जा रहा है तो 2 × 100। अब ध्यान देनी है दोस्तों, यहाँ पर विक्रय मूल्य वाला हिस्सा लिखेंगे, क्रय मूल्य वाला हिस्सा नहीं, क्योंकि आप जो है ये वस्तु से लेकर के चल रहे हैं तो वस्तु से लेकर के चलेंगे तो यहाँ विक्रय मूल्य से बटा देंगे तभी आपका लाभ प्रतिशत निकलेगा।
8 लिख देंगे तो दोस्तों गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, दोनों को घटा देंगे वस्तु को, तो वस्तु गुणे 100 बटा में विक्रय मूल्य वाला वस्तु लिखेंगे, तब जाकर के यहाँ पे लाभ निकलेगा। ये दोस्तों ट्रिक है, आप इसको ट्रिक में लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, विक्रय मूल्य का वस्तु माइनस क्रय मूल्य का वस्तु बटा में विक्रय मूल्य का वस्तु गुणे 100। तो इस तरह से आप इसको हल कर सकते हैं। तो 2 × 3 = 6 हो जाएगा, तो 100/3 अर्थात 33.1/3%। तो दोस्तों इस तरीके से इस तरह के सवाल को हल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित कुछ सवालों को ट्रिकी सॉल्यूशन, कैसे शॉर्टकट तरीके को अपना करके हम इन सवालों को हल कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में कुछ अन्य सवालों को लेकर के, तब तक के लिए नमस्कार।